हाय गाइस, आज मैं गंधराज पौधे के बारे में आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास ये चार या पांच गंधराज पौधे हैं। तो ये देखिए, गंधराज के पौधे ये हाइब्रिड वैरायटी के हैं और इसमें देखिए ये ढेर सारे फूल आए हैं और मेरा एक भी कलिया नहीं जली और बहुत अच्छा फूल फ्लावरिंग किया इस सीज़न में। और ये वाइट वाला हाइब्रिड है, बहुत अच्छा इसका खुशबू है। अभी शाम के समय में बहुत अच्छा हवा चल रही है, मौसम भी अच्छा है और खुशबू भी वाकई बहुत अच्छा आ रही है। और ये मेरा पीली गंधराज का पौधा, इसका भी बर्ड्स आया हुआ है और ये अच्छा, इसका तो बहुत ज़्यादा खुशबू आता है ये पीली गंधराज के पौधे में। और ये भी ये इससे कटिंग से तैयार किया गया ये पौधा है। इसका भी देखिए फूल खिला हुआ है, इसमें बहुत सारे फूल खिल के आ चुके हैं। और फिर अभी ये नए नए इसका आने वाला है, कली भी आएगी। और ये देखिए शानदार सा फूल है और ये देखिए इसमें भी ये भी कटिंग से हुआ है। और ये देखिए इसका भी अभी कली सब देख रहे हैं, बहुत शानदार है। और ये अभी एक नर्सरी से मैं लाया था, छोटा सा है, ये भी सिंगल पेटल है और इसका भी खुशबू बहुत ही वाइट कलर का होता है। धीरे धीरे ये पीला कलर वाइट से फिर ये येलो कलर में आ जाता है और ये भी येलो कलर है। तो इसको आप अपने गार्डन में लगाइए और बहुत खूबसूरत सुगंध आती है इसमें। और इसका फर्टिलाइजर्स में गोबर का खाद, जो सैंड होता है, और उसको जैसे कि आप सॉइल मिक्स में आप तैयार करेंगे, थोड़ा सा बालू वाला मिट्टी लें और 50% अपना गार्डन सॉइल लें। और जैसे काउडंग कंपोस्ट होता है और बर्मी कंपोस्ट होता है, थोड़े से नीम खली ये ऐड करके आप अपना सॉइल मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। ये जैसे के लिए प्राइमरी इसका जो मिट्टी में जो सॉइल देता है, सेकेंडरी मीडिया अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो सीवीड एक्सट्रैक्ट आप इसको ओलिक स्प्रे कीजिएगा और हर 15 दिन ये में। और पानी आप जैसे कि अभी समर का सीज़न है तो आप दिन में दिया करिए पानी, रेगुलर वाटरिंग करिए। और ज़्यादा इसको पानी देने से इसका बर्ड ड्रॉप्स होने का चांसेस रहेगा। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और मैं और भी ढेर सारे मेरे गार्डन में प्लांट्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये पहले ये गंधराज का मेरा कलेक्शन है। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।